अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक एसईओ की सेटिंग जो एक न्यू वेबसाइट पे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एसईओ के प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे और उन्हें कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हम योस्ट यूज़ करेंगे, एक्टिवेट यहाँ से रिमूव नो सेव चेंजेस। अर्काइव डिसेबल्ड सेव ऑथर अर्काइव। अगर आपकी वेबसाइट पे एक ऑथर है तो आप इसे डिसेबल कर दें। अगर एक से ज़्यादा ऑथर है, मतलब कि आपने ज़्यादा राइटर रखे हुए हैं, तो आप इसे अनेबल रखें, क्योंकि इस वेबसाइट पे अभी तक एक ऑथर ही है और इस वजह से मैंने इसे डिसेबल कर दिया। अब हम जाएंगे जनरल में और यहाँ से सेटिंग के जनरल में जाएंगे। सॉरी, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से अपनी वेबसाइट का नाम सेट करेंगे। यहाँ पे एक स्लोगन लिख देंगे जो आगे शो होगा, टेक रिव्यूज टिप्स, इस तरह करते हैं। अब इसे सेव कर देंगे। उसके बाद जाएंगे राइटिंग में। और अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि फिंगर्स का फ़ायदा नहीं होता, मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी। तो काफ़ी ज़्यादा SEOs का ख्याल है कि ये फास्टर इंडेक्सिंग में मदद करते हैं, तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इन्हें ज़रूर यूज़ करें। ये सारी लिस्ट कॉपी करेंगे और सेव चेंजेस। उसके बाद जाएंगे रीडिंग में और यहाँ से समरी सेव चेंजेस। के बाद अब दोबारा यहाँ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने एक अच्छी सी मैटर डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो हम रिसर्च करेंगे। अच्छा जी,
इस तरह करके आपने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। अब क्रिएट करते हैं एक लोगो। अगर आप एक प्रोफेशनल लोगो बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। सैम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को मैं ख़ुद इनसे लोगो वगैरह बनवाता हूँ, तो शायद मैं फ्यूचर में इस वेबसाइट के लिए भी बनवाऊँ इनसे। अगर आप चाहें तो फ्री लोगो भी बना सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होता। अभी के लिए मैं एक फ्री बनाऊंगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लेवल का बनवाना चाहते हैं तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप उनसे परचेज़ करें। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे गेम्स, और इनमें से देख लेंगे जो अच्छा सा हो। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसे हम कर लेंगे डाउनलोड। यहाँ पे लिखेंगे अपना ईमेल, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसे इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। लाइट शॉट मैं यूज़ कर रहा हूँ, और एक और तरीका भी मैं आपको बता दूँ अगर आपको बड़े साइज़ में डाउनलोड करना हो तो। अच्छा, आपने यहाँ पे सर्च करना है वाटरमार्क, और इसे हम कर देंगे रिमूव। तो वाटरमार्क की रिमूव हो गया। उसके बाद ये बीजी है, और यहाँ से हम इसे कर देते हैं चाहें तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब ये इस तरह का हो गया। उसके बाद आप फिर इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से लाइव शॉट के ज़रिए। बैकग्राउंड रिमूव हो गया, और इस तरह करके ये काफ़ी अब ठीक लग रहा है। अब इसे हम यूज़ करेंगे लोगो के तौर पे। लोगो के लिए हम जाएंगे कस्टमाइज में, साइट आइडेंटिटी, यहाँ से लोगो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने अपलोड नहीं किया तो अपलोड कर सकते हैं। इस तरह करके आप अपलोड कर सकते हैं इसे। और उसके बाद ये फेविकॉन है, फेविकॉन यहाँ पे शो होगा आपको।
और क्रॉप इमेज, अच्छा जी, उसके बाद पब्लिश करेंगे इसे। और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन नाम गेमिंग डेयरी, अपलोड इमेज, यूज इमेज और सेव चेंजेस। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है स्कीमा। तो स्कीमा के लिए अब जो प्लगइन हम यूज़ करेंगे वो ये वाला है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, स्कीमा के ऊपर मैंने ऑलरेडी पूरी एक सीरीज़ बनाई है जिसमें मैंने सारे स्कीमा को एक्सप्लेन किया है और उन्हें प्रैक्टिकली यूज़ करने का तरीका भी बताया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे साइट नेविगेशन स्कीमा और इधर से अपना मेन मेन्यू सेलेक्ट करेंगे जो कि अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया। प्राइमरी के अलावा दूसरे मेन्यू डिलीट कर देंगे क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं। अच्छा जी, आप से अनेबल्ड ऑन ऑल पेजेस सेव चेंजेस, तो ये भी हो गया। अब अगर आपकी ऑलरेडी एक वेबसाइट है और अगर आप उसकी एसईओ कर रहे हैं तो उसके लिए मैं एक प्लगइन रिकमेंड करता हूँ, लिंक चेक कर। तो ये वो प्लगइन है, इसे आप इंस्टॉल करें और फिर आप उन्हें फिक्स भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बेसिक प्लगइन्स वगैरह तो हो गए, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम करते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेरा दिल है एक अलग वीडियो बनाते हैं, ये इतनी काफ़ी है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।